सौरभ गुप्ता है, मैं सफदरजंग इंक्लेव इलाके से लाइव हूँ। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से खुलेआम अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक एक ट्रक के अंदर 40-40, 50-50 भैंसों को लाया जा रहा है। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, ये ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का, 15 दिसंबर का ऑर्डर है, जिसके अंदर क्लियर कट लिख रखा है, द पुलिस शैल अबाइड स्ट्रिक्टली बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 2010। इन ऑफ द व्यू इज डायरेक्टेड दैट द रिस्पोंडेंट शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एज वेल एज रूल 47-56 ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल 1978। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा था कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी जानवर के साथ क्रुएल्टी की जाए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में आज भी खुलेआम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ये ट्रक आज हमने रोका है पुलिस की मदद से। इस ट्रक का नंबर है RJ32GB0914। अब मैं अपने दोस्त से चाहूँगा दीपांशु से कि वो ट्रक के ऊपर चढ़े और एक बार दिखाएं सभी लोगों को कि जानवरों की कंडीशन क्या है। ये आपको जो भैंसे नजर आ रही हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई हैं ट्रक के। अब आपको जो इन्होंने डबल डेकर ट्रक बना रखा है, इसके फर्स्ट फ्लोर की आपको कंडीशन दिखाएंगे दीपांशु। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए इन भैंसों की हालत, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी एक लाइव वीडियो में दिखाया था। कम से कम ये भैंसों के बच्चे हैं और 25 हैं ये, कम से कम ऊपर वाले फ्लोर पे, जिसमें दो मंजिला इन्होंने बना रखी हैं। और इस ट्रक में 50 से 60 जो ये कसाई बता रहे हैं कि भैंसे हैं, और इनसे ऊपर ही मिलेंगी हमेशा। आपको अभी हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया और आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का कितना अच्छा पालन हो रहा है, पुलिस कितना अच्छा इन कसाईयों का साथ दे रही है, और कैसे ये खुलेआम स्मगलिंग चल रही है। ये देखिए आप इनकी हालत देखिए, ये बिल्कुल अधमरी हालत में हो रही है, तो उठने के लायक भी नहीं, इसकी आंखें भी नहीं खुल रही, और ये सिर्फ बच्चे हैं अभी। ये देखिए आप, इन ट्रकों की बहुत बुरी हालत होती है, और दिल्ली से रोज़ ये 700 से 800 ट्रक दिल्ली से निकलते हैं, और पूरे इलीगल तरीके से, जबकि एक ट्रक में 4 भैंसे अलाउड हैं, वो भी एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ, एक वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा जो ये परमिट करेगा कि ये भैंसे स्लॉटरिंग के लिए लीगल हैं और मेडिकली फिट हैं और कंजम्पशन लायक है। लेकिन ये जितनी भी भैंसे, आप इनकी हालत देखिए, आधी भैंसे वहाँ पहुँचते मर गई होती हैं, जो कि प्रॉपर, जो पूरी तरह इलीगल होती है, जो बीमारी फैलाती है। आप एक बार हालत देखिए ट्रकों की और ख़ुद सोचिए कि क्या स्मगल हो रहा है, कैसे स्मगल हो रहा है, और खाने के नाम पे क्या क्या हो रहा है। इन ट्रकों को रोकना भी आसान नहीं होता दोस्तों। ये ट्रक के जितने भी होते हैं, ये बिल्कुल, अगर आप इनको रोकने की कोशिश करोगे तो ये आप पे ट्रक चढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमला करने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से इनको पकड़ती है। आप देखिए हमारी टीम, ये सारे कसाई हैं। मैं आपको अब नीचे से एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ये लो पकड़ो। तो आपने ये देखा होगा इस समय किस तरीके से जानवरों की कंडीशन है। आपको लग रहा है कि दिल्ली में कोई बदलाव आया है? दिल्ली में जो चलता आ रहा है, जिस तरीके से जानवरों की कंडीशन है, उसी तरीके से बदस्तूर जारी है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिखित ऑर्डर के बावजूद भी इनकी कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ये सारे आदमी हैं, इन सबको पकड़ा गया है यहाँ पर, जो ये भैंसों को लेके आ रहे थे। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अभी भी
इस तरह के 200-250 ट्रक रोजाना आ रहे हैं और मेरा यही उद्देश्य है जितना हो सके मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाऊँ, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद।